सुंदरबन में टिनटिनी चिड़िया और पिंटू का कुत्ता दंपति रहते थे। उनकी एक बहुत प्यारी बेटी पिंकी थी। उनका परिवार बहुत हंसी खुशी रहता था। तभी अचानक एक दिन, अजी सुनते हो, मेरी तबीयत ठीक नहीं। और इतना कहकर टिनटिनी बेहोश हो गई और भगवान के पास चली गई। पिंकी के पालन पोषण की जिम्मेदारी थी। उन्होंने टूनी चिड़िया से दूसरी शादी की और कहा, टूनी, मैंने तुमसे ये शादी सिर्फ पिंकी के लिए की। आज से तुम पिंकी की माँ हो। उसके पालन पोषण में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। आज से पिंकी मेरी बेटी है। उसके पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन पिंकी को टूनी फूटी आँख न सुहाती। खाना खाने में तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। और पिंकी ने खाना फेंक दिया। अपनी औकात में रहो, तुम मेरी माँ कभी नहीं बन सकती। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। फिर पिंकी ने दोबारा बनाए हुए खाने को खाया। पिंकी का व्यवहार टूनी के साथ नौकरों जैसा था। वह सारे सामान को फेंकती उठाती और सीधे वो बात भी नहीं करती। कुछ कहने पर वो फेर लेती। फिर एक दिन पिंटू कबूतर को आते देख पिंकी ने शॉल को फेंक दिया और ठंड से कांपने का नाटक करने लगी। अरे पिंकी बेटा, इतनी ठंड में बिना चादर के, मेरी बिना चादर के बैठी है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? टूनी ने कहा, ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। और उसने पिंकी की बातों को छिपा लिया। फिर एक टूनी की बात सुने उसने उसे बहुत पिटाई की और घर से निकल जाने को कहा। टूनी रोती रही लेकिन उसने पिंकी के बारे में कुछ नहीं कहा। हे भगवान, मैं घर छोड़ के तो आ गई लेकिन पिंकी ना जाने कैसी हो, पता नहीं अपना ध्यान रख पाती है कि नहीं। तभी एक दिन, पिंकी बेटा, मैं शहर जा रहा हूँ, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। पिंकी लापरवाही से बैठी थी। तभी वहाँ एक चियार आ गया। बड़े दिनों से तुझे खाने की इच्छा थी, आज तक मेरे हाथ चढ़ ही गई। अब तुझे तो कोई नहीं बचा सकता। पिंकी का डर से तो बहुत बुरा हाल था। अपनी माँ के ऊपर किए गए अत्याचार को वह याद करके रो रही थी। माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तभी वहाँ टुनटुनी आ जाती है और कहती है, दुष्ट सियार, तुम मेरी बेटी से दूर रहो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और टूनी के सभी दोस्तों ने मिलकर सियार को बहुत बुरी तरीके से हराया। सियार अब जा चुका था। माँ, मुझे माफ कर दो। पिंकी के मुंह से माँ शब्द सुनकर टूनी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तभी वहाँ पिंटू कबूतर आ जाता है और टूनी को देख के कहता है, टूनी तुम यहाँ क्यों आई हो, फिर से मेरी बेटी को परेशान करने? तभी पिंकी कहती है, नहीं पापा, माँ की कोई गलती नहीं, मैंने आपसे झूठ बोला। मुझे माँ को घर से निकालना था, मुझे पसंद नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी माँ कभी नहीं बन सकती है, मुझे माफ कर दे। पिंटू कबूतर जब तक गुस्से में पिंकी के ऊपर हाथ उठाता, टूनी ने कहा, अरे जाने दो, बच्ची है, बच्चों से ही गलती होती है। और सब हंसे खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सौतेली माँ नहीं, सौतेली बेटी भी हो सकती है। बस सोच का फर्क है।